हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो टुडे टॉपिक इज डिस्कस अबाउट पर्पल ब्लॉच ऑफ ओनियन। आज का जो टॉपिक है वो पर्पल ब्लॉच ऑफ ओनियन, जिसको लाल धब्बा के नाम से भी जानते हैं, यह अधिकतर बीमारी ओनियन पे लगती है, राइट। तो पर्पल ब्लॉच ऑफ ओनियन, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन, द डिजीज वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई अजरेकर इन 1923 फ्रॉम बॉम्बे। इस डिजीज को पहली बार 1923 ईस्वी में अजरेकर ने बॉम्बे में रिपोर्ट किया था, राइट। पर्पल ब्लॉच अफेक्ट बोथ बल्ब एंड सीड्स क्रॉप थ्रू होस्ट। पर्पल ब्लॉच जो अफेक्ट करता है डिजीज को, बल्ब में अफेक्ट करता है और सीड में भी अफेक्ट करता है, सीडलिंग स्टेज में भी। लास्ट ड्यू टू दिस डिजीज इज काउंट फॉर 68% इन जून टू अक्टूबर। अगर हम इसके काउंट करते हैं डिजीज को कितना नुकसान होता है, तो कम से कम 68% हर साल जब से आप बुआई करते हैं और हार्वेस्टिंग से तक लेकर 68% लॉस हो जाती है, जून से लेकर अक्टूबर से लेकर जून तक, राइट। सिम्टम्स, द सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर ऑन लिप्स आर सीड स्टॉक एंड वाटर सोक लीजन। जो सिम्टम बनते हैं पत्तियों पे ही बनते हैं, पत्तियों के किनारे से धब्बा लीजन बनने लगते हैं और वो जो धब्बे होते हैं छोटे छोटे धब्बे रेड रेड कलर के दिखाई देते हैं। बाद में लेटर स्टेज आने पे जब कई धब्बे कई लीजन आपस में मिल जाते हैं, क्लब्स कर जाते हैं, तो स्पॉट बड़े साइज के दिखाई देने लगता है, राइट। तो द सिम्टम फर्स्ट अपियर ऑन लिप्स आर सीड स्टॉक एज वाटर सोक लीजन, लेटर दीज लीजन इन लार्ज क्लब्स बिकम जोनेट अपवर्ड टू डाउन वर्ड। और जब धब्बा बड़े पैमाने पर फैलने लगता है तो ऊपर से फैलते फैलते नीचे तक फैल जाता है, इसलिए उसकी हाफ पत्तियों तक आधी पत्ती तक इन्फेक्शन बड़े पैमाने पे दिखाई देने लगता है और ऊपर की पत्तियां झुलसी हुई नजर आने लगती हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन द बल्ब कैन बी अफेक्टेड एट हार्वेस्ट व्हेन द फंगस इंटर थ्रू नेक कॉजिंग स्टोर रॉट। अगर हम पर्पल ब्लॉच ओनियन से अफेक्टेड क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर से होता हुआ इन्फेक्शन नीचे बल्ब तक चला जाता है और हम स्टोर में रख देते हैं, वही बल्ब अगले साल फिर बुआई करने पे या फिर उसकी सीडलिंग स्टेज बनाने पे फिर वो इन्फेक्शन करता है, राइट। सिस्टमेटिक पोजीशन, किंगडम फंजाई, फाइलम डिट्रोमाइकोटा, क्लास हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर मोनिलियल्स, फैमिली डीमाइटियसी, जीनस अल्टरनेरिया, स्पीशीज पोराई। देखिए सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है, अल्टरनेरिया पोराई, क्योंकि अल्टरनेरिया किस डिवीजन का फंगस है, डिट्रोमाइकोटिना का। तो किंगडम फंजाई, फाइलम डिट्रोमाइकोटा या फिर एसेक्सुअल एस्कोमाइसिटीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंसवर्स क्लासिफिकेशन है, न्यू क्लासिफिकेशन लिखा गया है 1996 का। तो किंगडम फंजाई, फाइलम डिट्रोमाइकोटा, क्लास हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर मोनिलियल्स, फैमिली डीमाइटियसी, जीनस अल्टरनेरिया एंड स्पीशीज पोराई, राइट। काजल अग्निजम, अल्टरनेरिया पोराई। नेचर ऑफ डिजीज, सीड बॉर्न एंड एयर बॉर्न। प्राइमरी इन्फेक्शन बाय सीड से होता है एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय एयर होता है, क्योंकि हवा के द्वारा ही अल्टरनेरिया मेच्योर कंडीशन में होता है, फिर फैलता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक क्रॉप से दूसरे स्थान क्रॉप पे। तो प्राइमरी इन्फेक्शन बाय सीड एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय एयर। नेचर ऑफ डिजीज, सीड बॉर्न एंड एयर बॉर्न। नेचर ऑफ पैथोजन, पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट। देखिए अल्टरनेरिया एक ऐसा फंगस है कि ये पैरासाइट के रूप में भी दिखाई देता है, सेप्रोफाइट के रूप में भी पड़ा रहता है, इसलिए इसको पैरासाइट बोथ लिखा जाता है, बोथ पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट, राइट। इटियोलॉजी, अब आपको इसमें माइसिलियम लिखने हैं, क्योंकि सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना फंगस है, सो आप लिखेंगे माइसिलियम आर सेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएट एंड ब्रांचेज, ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, गाल्जी बॉडी, आर कंटेन लॉन्ग इरेक्ट वर्टिकल कोनोडियो फोर। कोनोडियो फोर आर ऑलरेडी सेप्टेड, बिकॉज फंगस आर सेप्टेड, सो कोनोडियो फोर आर सेप्टेड। कोनोडिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कोनोडियो फोर। कोनोडिया जनरली कोनोडिया एक्रोपिटल इन चेन, एक्रोपिटल मीन्स
ओल्डेस्ट कोण देखे, एक्रोफिटल का हमने फिगर यहाँ पे बनाया है कि जो सबसे बड़ी कोंडिया होगी वो सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर छोटी, उससे ऊपर छोटी होती चली जाती है। दिस टाइप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एक्रोफिटल चेन। ओल्डेस्ट कोंडिया एट द बेस एंड यंगेस्ट कोंडिया एट द टिप, इट इज कॉल्ड एक्रोफिटल चेन। कोंडिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कोंडियो फोर। इन कोंडिया बोथ longitudinal and horizontal septa are present. Cochlea generally bottle shaped, muriform and big shape. इस कंडीशन जो nuclear वाला हिस्सा होता है big shape होता है, alternaria pori में थोड़ा सा big shape होता है, already big shape. Mature cochlea drop by air and disseminated on the other host plant. यही स्ट्रक्चर आपको इसमें लिखने हैं, क्योंकि सिर्फ ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाइफा बनेगा, हाइफा से माइसिलियम बनेंगे, माइसिलियम से फिर कोंडियोफोर का निर्माण होगा, उस कोंडियोफोर के ऊपर हिस्से पे कोंडिया का बनेगा। और कोंडिया बिग सेप होता है, दोनों सेप्टा इसमें प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा और हॉरिजॉन्टल सेप्टा, इसलिए इस तरह कोंडिया को हम म्यूरीफार्म कोंडिया भी कहते हैं। राइट, म्यूरीफार्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है कि म्यूरीफार्म कोंडिया आर आल्सो अल्टरनेरिया सर्कोस्पोरा फ्यूजेरियम नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अल्टरनेरिया लिखना है कि बोथ सेप्टा आर प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडिनल एंड हॉरिजॉन्टल। राइट, तो ये टोटल स्ट्रक्चर आपको इटियोलॉजी में इसमें लिखने हैं। अब आप एपिडेमोलॉजी में, एपिडेमोलॉजी में पैथोजन सर्वाइव इन क्रॉप डेब्रिस एंड डोरमेंट माइसीलियम। जो पैथोजन सर्वाइव करता है वो क्रॉप डेब्रिस फसल के अवशेष पे गिरा रहता है कोंडिया, तो फसल सर्वाइव कर जाता है, या फिर बल्ब पे सर्वाइव किया रहता है। कभी काल किसान बल्ब की भी बुआई करते हैं, आप उसमें देखेंगे कि बाद में अल्टरनेरिया का इन्फेक्शन पत्तियों पे दिखाई देने लगता है। और उसके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर होता है, बेस्ट टेम्परेचर, कहीं कहीं 6-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिपोर्ट किया गया है, बट बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर फेवरेबल फेवर द डिजीज और एबव 90% ह्यूमिडिटी हो तो बड़े पैमाने पे यह डिजीज आती है। कोंडिया आर शॉर्ट लिव एज डिफाइंड रोल इन सेकेंडरी इन्फेक्शन। कोंडिया जो होती है वो शॉर्ट कम समय में ट्रैप करती है और फिर दूसरे क्रॉप ऊपर पहुंच कर फिर इन्फेक्शन शुरू कर देता है, पत्तियों पे इन्फेक्शन दिखाई देने लगता है। और ह्यूमिडिटी अगर एबव 80% से ऊपर हो और होस्ट हो, पैथोजन हो, इन्वायरमेंट हो, तो ऑलरेडी डिजीज को आने से कोई रोक नहीं सकता है। बट किसान फिर भी उसको कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट करता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन एंड फील्ड सैनिटेशन। क्रॉप रोटेशन अपनाइए और फील्ड सैनिटेशन करिए, खेती सफाई मस्ट बी फॉलो। नंबर टू, मेंटेनेंस गुड ड्रेनेज, हमेशा जल निकास की एक अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो जल ज़्यादा भर देने से फील्ड में भी फसल डैमेज हो जाती है, इसलिए गुड ड्रेनेज। नेक्स्ट है मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्लस मेथोमिल 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। जो इन्फेक्शन अगर हो गया हो तो मैंकोजेब प्लस मेथोमिल आपस में मिला के पर लीटर ऑफ वाटर का घोल बनाइए और फिर स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो 15-20 दिन के बाद प्रोपीकोनाजोल 1 ग्राम प्लस हेक्साकोनाजोल 0.5 ग्राम को मिलाकर 1 लीटर पर वाटर में स्प्रे करना होता है। ये सब सावधानियाँ आपको बरतेंगे तो डिजीज कम से कम आएगी। और फिर या तो फिर ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटी अर्का कल्याण पीबी 322-324 IC 48025 ALR बहुत सारी वैरायटियां हैं जो रेजिस्टेंट के तौर पर आजकल उगाई जा रही हैं। राइट, तो बच्चों आज जो टॉपिक है पर्पल ब्लाच ऑफ ओनियन यह सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना से मिलान करता है और इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया पोराई। सो माई चैनल इज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।